नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर। आज एक ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद में आपको लगेगा कि वाकई में क्या बिल को लेकर कोरोना मरीज भी इतना परेशान हो सकते हैं कि वो हॉस्पिटल से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। बीते दिनों एक खबर बहुत वायरल हुई थी, वो था विजय वल्लभ हॉस्पिटल से भागा हुआ वो मरीज जिससे कोरोना हुआ था, और कोरोना उपचार कराते कराते उसका कहना अब ये है कि वो ठीक हो चुका है। वो क्यों हॉस्पिटल से भागा इसकी बात वो खुद बताएगा कि आखिर योगेश पाटिल ने क्यों हॉस्पिटल छोड़ने पर वो मजबूर हो गया था, आखिर वो क्यों उस हॉस्पिटल से भागा और क्या संदेश देना चाहता है वो आम लोगों को, क्या सबक सिखाना चाहता था वो उस हॉस्पिटल को, और आखिर हॉस्पिटल में किस प्रकार की व्यवस्था वहां पर हुई थी, किस प्रकार एक मरीज से 5-5, 6-6 PPE किट मंगाए जाते हैं। PPE किट की वैल्यू जहां मार्केट में 600 रुपए है उनके पास 1800 रुपए लगाई जाती है। ये सारी बातें ये कोरोना पेशेंट खुद बताएगा, वो योगेश पाटिल जो भागा था उस हॉस्पिटल से, विजय वल्लभ हॉस्पिटल विरार पश्चिम से, उस हॉस्पिटल की करतूत खोल कर रखने के लिए सामने आ चुका है। एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने ये सारी बातें रखी हैं। सुनिए योगेश पाटिल किस प्रकार बता रहे हैं उस विजय वल्लभ हॉस्पिटल में बिल कैसे बढ़ा और क्या व्यवस्था थी वहां पर और क्यों भागने पर मजबूर हुआ योगेश पाटिल। अभी भी बताया जा रहा था कि आपके अंदर कोरोना के सिम्टम्स थे और आप हॉस्पिटल से भाग गए। मेरा आज के डेट में जो ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक किया जा रहा है वो 97 है। मेरा प्रेशर परफेक्ट है, मेरी शुगर परफेक्ट है, मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे बुखार नहीं, मेरी बॉडी पेन नहीं है और मुझे और कोई का तरीके की तकलीफ नहीं है। वहाँ से भागे क्यों थे? मैं वहाँ की परिस्थिति को देख के जो लोगों पे अन्याय हो रहा है वो देख के वहाँ से भागा। मैंने वहाँ 50,000 आपके साथ क्या अन्याय? हमारे साथ अन्याय ये हुआ कि वहाँ पे 7 दिन एडमिट था, वहाँ का बाथरूम क्लीन नहीं, 3 दिन आप कोरोना का सीधा लोग सब बोल रहे हैं कि गर्म पानी पियो, उनके पास कैटल तलक नहीं था, 2 दिन कैटल खराब, 3 दिन गीजर खराब, वहाँ पे काम करने के लिए स्टाफ नहीं। जब उनकी कंप्लेंट की गई पेस्टिन थॉमस करके वहाँ का HR है उसको बोलने के बाद में उसने कहा गया कि आप ही बाहर से कहाँ से हमें एम्प्लॉय ला के दे दो, तो हमने कहा कि हम एम्प्लॉय देने के लिए आप इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे आप ही खुद देख लो। यानी वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं? व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। दवाइयाँ दी जा रही थी टाइम पे? दवाई एक दवाई की जगह पे 10 दवाई देते हैं, वो दवाई बाद में रिप्लेसमेंट नहीं करते, बोलते हैं कि ये दवाई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की है तो अगर हमें 2,000 की दवाई चाहिए तो वो 10,000 की दवाई देती है, फिर वो सब दवाई वहाँ बच जाती है, वार्ड बॉय आके उठा के लेके जाता है, सेकंड रिपीट दूसरे पेशेंट को दी जाती है। आरोप लगा? हाँ बराबर, मैं ये सिद्ध करके बताऊँगा दवाइयों पर, मतलब आपको जो दवाइयाँ दी जाती थी वही दवाइयाँ किसी और को? हाँ, वो लोग तो उठा के लेके जा रहे थे, तो अगर दवाई वहाँ पे हम जो बेड पे सो रहे थे वो तो चेंज नहीं हो रहा था, कोरोना पॉजिटिव के साथ में ट्रीटमेंट देने वाली नर्स तो नहीं चेंज हो रही थी, तो वहाँ पे जो हमें दवाई दे रही थी वो तो वॉशेबल है, धो के यूज़ करो दूसरे पेशेंट को या उसको सैनिटाइज करके यूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ों से आपको समस्या क्या थी? आप कोरोना पॉजिटिव थे, आपको ठीक करना उनका नैतिक कर्तव्य है, वो तरीका अपना रहे थे। मैं 12th को वहाँ पे एडमिट हो गया, पहले वहाँ उन्होंने जो भी है महीने मेरे ऊपर जो ट्रीटमेंट हुई मैं लिखना चालू किया कि मुझे क्या दवाई दे रहे ये दे रहे। बाद में मुझे जो दवाई दी गई मेरे पास फोटो निकले हुए बिल, इन्होंने सिप्ला की दवाई बताई, बाद में मुझे जो इंजेक्शन दिया गया वो दूसरे कंपनी का था तो उसमें रेट में तफावत है, तभी मैंने क्लिक किया कि यहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर मेरे बाजू से 2 पेशेंट को डिस्चार्ज दिया गया, डिस्चार्ज देने के बाद में उनको संडे को डिस्चार्ज दिया, संडे को डिस्चार्ज देने के बाद में उन लोगों को डिस्चार्ज मिला मंगलवार को, 2 दिन उनको वेट किया गया कि मेडिक्लेम का पैसा हॉस्पिटल के खाते में जमा नहीं होता है। तो मैं बोले ये आपका बिलिंग का कौन सा सिस्टम है, तो वो मेरे को जब उसी दिन शाम को मैंने उनको बोल दिया कि सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर सर्विस, मेरे पास पैसे की कुछ समस्या है, ऐसा नहीं बोलने से तो वो तो डिस्चार्ज नहीं देते थे, तो मेरे पास पैसे की समस्या है आप मुझे छोड़ दो और आज ही मेरा दूसरा टेस्ट करो। तो बोलते नहीं कल करना पड़ेगा, कल 6 दिन हो जाएगा। टेस्ट उन्होंने करवाया, मैं बोला मुझे डिस्चार्ज दे दो, डिस्चार्ज देने के सुबह मैंने बोलने के बाद 11:15 बजे मैं उनके ऑफिस में गया,
11:15 से 3 बजे तक मैं इंतज़ार किया, उनका बिल ही नहीं आ रहा है। हालांकि मैं क्रेडिट कार्ड लेके वही हॉस्पिटल में 2 साल पहले काम करने वाला रूपेश करके एक लड़का था, उसको नीचे HR डिपार्टमेंट में भेज दिया था कि जाके बिल भर दो, और 40,000 का कैश था। मैं खाली उनको ये बात पे बात किया कि भाई आपके पास जो क्या लगता है नाजायज बिल लिया जा रहा था। सर यहाँ पे अगर आप जाएंगे देशपांडे सर या ताटे सर, साने सर, इनके पास ये डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले वगैरह सर्जन है, उनकी फीस है 500 रुपया, और वहाँ पे जो RMO है उसका चार्ज उन्होंने 2,000 रुपीज किया है, 6,500 रुपीज कॉट का चार्ज किया है, 500 रुपीज। हालांकि मेरी वाइफ ने जब एडमिट करने का था उसी टाइम पे बोला गया था कि सर आपका अप्रोक्सीमेटली क्या चार्ज होएगा, तो उन्होंने बोला 15,000 तक होएगा। अभी 15,000 में इंक्लूडिंग मेडिसिन, बाद में इन्होंने कैसे 1.5 लाख रुपया 6 डेज का लगाया। यानी कि आप बिल को लेकर लोगों के प्रति हाँ संवेदना जागृत हुई कि मैं तो कैपेबल हूँ, मैं भर सकता हूँ, लेकिन बाकी लोग जो है वो गरीब है। मेरे सामने लोगों ने घर से 20,000 आने का बाकी करके एक एक रात वहाँ निकली। आप मानते हैं ये बड़ी वहाँ तो ऐसे अभी दूसरी कोरोना पॉजिटिव जो मरीज होता है उसको पैसे के नाम पे लूटा जा रहा है ऐसा, वहाँ लूटा जा रहा है वो तो छोड़, दूसरी बात ऐसी है कि किसी को कोरोना नहीं है। ऐसा कह रहे हैं कि क्या कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को वहाँ पर लूटा जा रहा है? जी हाँ, ऐसा मानते हैं? हाँ जी। कैसे कि अभी वहाँ पे मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट आता है वो ब्रेकफास्ट सुबह में चाय आती है ये 8:30 बजे आती है, 9 बजे ब्रेकफास्ट आता है, 2 बजे लंच आता है, और रात को 11 बजे डिनर आती है। अभी वहाँ पे जो कोरोना पेशेंट के ऊपर जो मेडिसिन दिए गए हैं तो आप वहाँ की स्टाफ से या डॉक्टर से वहाँ से रिपोर्ट मांग सकते हैं कि भाई हमको फाइल दे दो, तो वो दे देंगे। जो आदमी को लाइफ में कभी शुगर नहीं थी तो वहाँ के मेडिसिन से आदमी को शुगर हो जाती है। अच्छा एक बार इसमें क्या मानते हैं आप, पूरी तरह वहाँ पर रहकर भी ये बातें हो सकती थी कि बिल ज़्यादा है कम है कम कराना चाहिए, इस तरह की सारी बातें क्या हॉस्पिटल में रहकर नहीं होती थी? आपको भागना ही जरूरी था? मैं भागूंगा तो ये मेरे पीछे पड़ेंगे और फिर ये सब बातें ओपन होएगी। वहाँ पे एक पर्सन से मेरे पास बिल भी है, वो लोग अभी हमारे हाथ में वेनफ्लो डाला हुआ है, तो वेनफ्लो डालने के बाद में इंजेक्शन वेनफ्लो खाली सिरिंज से दिया जाएगा, तो उसको दूसरी सिरिंज की आवश्यकता क्या है? तो ये लोग हर बिल में डेली के 5 सिरिंज, मतलब 1 mm की 2 mm की ऐसी 5-5 सिरिंज, प्लस पर हेड 5 PPE किट, 5 ग्लोव्स और 5 हेड मास्क, ऐसा ये मास्क लिखते हैं। 1 PPE किट 600 रुपीज का आता है, इंक्लूडिंग मास्क एंड हैंड ग्लोव्स ऑल, आप चाहे तो फेसबुक पे देख सकते हैं। वहाँ पे 1800 रुपीज चार्ज करते हैं वो लोग बिल पे 1 PPE किट का, और एक पर्सन से वो लोग 5 PPE किट डेली ले रहे हैं। एक मैं जो वार्ड में था वहाँ पे जेंट्स वार्ड में 22 पेशेंट थे, लेडीज वार्ड में 22 पेशेंट थे। अभी ये 22 पेशेंट होने के बावजूद वहाँ पे एक पेशेंट से अगर 5 लिया तो 44 पेशेंट से कितने हो गए? तो वो लोग इतना पीपी किट की लूट हो रही है हर रोज 2 लाख रुपए की, लाखों रुपए की। प्लस वहाँ पे स्टाफ कितना है, 2 नर्स, वो भी ट्रेनी नर्स है, उनको वेनफ्लो के लिए आधा घंटा लगता है। जो अभी जहाँ पे 8 नर्स की ज़रूरत है। अभी परिवार के साथ रह रहे हैं? नहीं, मैं सिंगल रह रहा हूँ शॉर्ट लिप में। परिवार मतलब मेरी वाइफ है बाजू में बिल्डिंग में, मेरा ससुराल है, तो वहाँ से खाना वगैरह लाके ये रहते, मैं अकेला अपने रूम में। एक्चुअली मैं गया था शिरगांव में मेरे फार्म हाउस पे, लेकिन ये पेस्टिन करके जो लड़का है उधर का HR का, वो मुझे बहुत परेशान किया कि आप इसको ये करोगे वो करोगे, तो मैं बोला आप देख थोड़ी रहे, मैं समाज को तकलीफ दे रहा हूँ, ऐसा आपको दिख रहा है? जो मैंने पहला बाइट दिया। और दूसरी बात ऐसी है कि किरण बनसोड़े और देवा गुप्ता, उसका जो उसने नाम लिया है, तो किरण गुप्ता बनसोड़े और देवा गुप्ता मेरे फ्रेंड है, इसने मुझे उनके नाम पे वहाँ पे धमकाया पेस्टिन ने,
वेस्टिन थॉमस ने, इसके लिए इस मैटर में देवा का और किरण का कुछ इशू नहीं है। इतना ही नहीं, योगेश पाटिल के समर्थन में उतरे समाल सलाम वसई के अध्यक्ष विनय तिवारी, विनय तिवारी नहीं अपने कार्यालय पर उन वहीं पर बिठा कर यह वीडियो जारी हुआ है। और कहीं ना कहीं विनय तिवारी का भी साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से अगर विजय वल्लभ हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल अगर बिल बढ़ाकर आम आदमी को देंगे तो वे अपने संगठन के साथ शांत नहीं बैठेंगे। योगेश पाटिल के नाम की काफी बदनामी हो रही थी नाला सोपारा वसई विरार में, एक ऑडियो जो उनका वायरल हुआ था, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इसमें योगेश पाटिल जो कि अपने बंधु हैं, अपने छोटे भाई हैं, इनकी कोई भी गलती नहीं है, गलती सारी हॉस्पिटल की है। और योगेश पाटिल ने आज वसई तालुका में नहीं पालघर ज़िले में जो हॉस्पिटल वाले को जो सबक सिखाया है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो गोर गरीबों को लूटा जा रहा है इससे एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। सलाम वसई सेवा संघ और ब्राह्मण सेना हर उस व्यक्ति के साथ में है जिसके जो हॉस्पिटल के बिल के खिलाफ लड़ना चाहता है, क्योंकि देश इस समय चार पाँच महीने से देश की जनता इस टाइम पे बेरोजगार बैठी है, लॉकडाउन की मार झेल रही है, किस तरीके से घर चला रही है, कोई अपना मंगलसूत्र बेच रहा है, कोई अपना मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई घर बेच रहा है, और बेचते बेचते हर एक आदमी का हर चीज़ बिकने को तैयार हो चुका है। और ऐसे समय पर जहाँ पर कोरोना की कोई ऑफिशियली दवा आई नहीं हुई है, कोरोना की कोई ऑफिशियली दवा नहीं आई हुई है, और नाला सोपारा एक ऐसा नगरी है वसई तालुका जहाँ पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक की बिल कोरोना पेशेंट को लगाया गया है, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स मर भी गए हैं 5-7 लाख रुपया भर करके भी, ऐसे में मैं समझूंगा कि देश के अंदर आज हमारे सबसे बड़े अगर कोई माफिया है तो हॉस्पिटल वाले हैं, और इन हॉस्पिटल वालों के खिलाफ किसी न किसी को शंख बजाना था। और मुझे गर्व है कि आज मेरा छोटा भाई योगेश पाटिल ने शंख बजाया है कि देखिए जो भी कोरोना पेशेंट भर्ती होता है आज महानगर पालिका उसको 3 दिन क्वारंटाइन करके दवा देकर छोड़ दे रही है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जा रहा है, विटामिन सी डी ई का टेबलेट दिया जा रहा है, और तीसरे बार जब छोड़ रही है तो उसका चेकअप नहीं हो रहा है। तो महानगर पालिका के अंदर वसई विरार शहर महानगर पालिका के अंदर जितने लोग भर्ती हो रहे हैं ठीक ठाक होकर अच्छे से आ रहे हैं, उनकी मृत्यु दर काफ़ी कम है वसई विरार महानगर पालिका जो कि मुफ्त में इलाज कर रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही लोग और पेशेंट मर रहे हैं। मैं फुल गारंटी देता हूँ कि योगेश पाटिल को कोरोना नहीं है। सुना आपने, ये थे विनय तिवारी और वो योगेश पाटिल जो उस कोरोना पेशेंट हुआ था और हॉस्पिटल से भागा था। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद में एक बात तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं आम जनता के पैसों को इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे डॉक्टरों को सोचना चाहिए कि कोरोना पेशेंट हुए तो ऐसा नहीं कि उनकी लाचारी और बेबसी का वो फायदा उठाएं। पीपी किट के मूल्य सुनकर हैरान रह जाते हैं हम लोग। इस तरह के माहौल में, इस लॉकडाउन के पीरियड में 4 महीने से लगातार बेरोजगार पूरे भारत की जनता है, वहीं वसई विरार की जनता भी है। वसई विरार में तो जो आबादी है उसके आधार पर रोजगार भी नहीं है, यहाँ पर उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है यानी मुंबई की तरफ। ऐसे में वो रोजगार के सारे धंधे जो उनको जाना चाहिए अपने रोजगार के स्थान पर, उसके आवागमन की भी समस्याएं हैं, तमाम तरह की समस्याओं का सामना कर रही आम जनता के साथ में अगर डॉक्टर इस तरह से पेश आएंगे जिन्हें भगवान कहा जाता है तो आम आदमी कहाँ जाएगा। 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के बिल इस 4 महीने के अंतराल में उन्हें अपने कमरे का यानी रूम का या भाड़े पे रह रहे आम आदमी का किराया निकालना मुश्किल हो रहा है, अपने कमरे का या अपने रूम का किराया देना मुश्किल हो रहा है, राशन भराना मुश्किल हो रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस देनी मुश्किल हो रही है। तो ऐसे में वो 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख कहाँ से लाए। इन सब बातों को हॉस्पिटल के लोगों को सोचना चाहिए, इस एसोसिएशन को सोचना चाहिए जो हॉस्पिटल का है, उसे सोचना चाहिए कि ऐसे बिल ना बनाए जाए जिससे वे परेशान हैं। चूँकि वैक्सीन अभी नहीं आई है तो गाइडलाइन के अनुसार ही पैसा दिया जाए ताकि वे परेशान ना हो और वो भुगतान भी कर दें। आज के लिए इतना ही, लेकिन इन सब बातों के साथ में कहीं ना कहीं जनता में जनाक्रोश ज़्यादा है और जनता गुस्से में है उस बिल को लेकर जो डॉक्टर अपनी मनमानी के अनुसार बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।